हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बताने वाले हैं, जिसके लिए तीन कलर ले लिए हैं और यहाँ पर मोटी वाली 8 नंबर सिलाई ली हुई है। जो डोरमेट हम बताने जा रहे हैं वो आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, और इसे टेबल मैट की जगह यूज कर सकते हैं या पूजा आसन की तरह, जैसा आप चाहें उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीन कलर ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से कलर लगा के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं। मैं आपको तीनों कलर की वूल को फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड वूल से आपको बनाना बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों कलर की वूल को फोल्ड किया है और बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा आपको ये डोरमेट बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले फंदा डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इसी तरह से हम यहाँ पे फंदे ले लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आपने ऐसे ही जोड़े से फंदे डालने हैं। तो देखिए 16 फंदे यहाँ पर डाल लिए, अब फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन बताएंगे। तो देखिए सिलाई पे लपेटते हुए एक फंदे को बढ़ाएंगे, दो हो चुके हैं, तीन चार और ये पांच, जिसमें हमने चार फंदे बनाए हैं और पांचवा फंदा हमने बढ़ाया है। इसके बाद हम यहाँ से अपना इसमें येलो कलर लगाएंगे। जो भी कलर आपको पसंद है वो आप इसमें ले सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये 11, और लास्ट का एक फंदा मैंने छोड़ दिया है, और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम इस फंदे को उतारेंगे और सभी फंदों को जो जिस कलर से है उसी कलर से हम इन्हें बनाते हुए ये देखिए कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा डिजाइन है, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए पीछे धागा करेंगे और हम अपना ये वाला धागा आगे लाएंगे इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और इस फंदे को हम इसमें येलो से ग्रीन वाले को कर लेंगे, देखिए। और लास्ट का एक फंदा येलो कलर का छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने इसको ये देखिए, तो एक फंदा हम फिर से छोड़ दिए हैं और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उस कलर से हम बनाएंगे। इस फंदे को पहले को आप उतार सकते हैं, चाहे आप इसे बुन सकते हैं। तो सीधी सिलाई हम जो जैसा है उसी कलर से हम बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए अब फिर से हम अपना यहाँ पे ये देखिए तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं। हर बार हम अपना पांच फंदा ही बनाएंगे और एक हम ग्रीन वाला येलो कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए।
और लास्ट का एक फंदा फिर से छोड़ दिए हैं। यहीं से टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ही हम इसको बनाएंगे। सीधी सिलाई में जो जैसा है वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है। फिर से ये देखिए अब यहाँ पे हम अपना चौथा फंदा बढ़ा रहे हैं। एक दो तीन चार और ये पांच, और इस वाले फंदे को हम इसमें बनाएंगे। ये देखिए और लास्ट का फिर से एक फंदा छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे अपना ये देखिए एक एक फंदा छोड़ते हुए हम अपना यहाँ पे आठ फंदा छोड़ लेते हैं। ये देखिए जिसमें से हम चार फंदे छोड़ चुके हैं और चार और छोड़ लेते हैं। ये देखिए और जो भी फंदा हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे मैंने चार फंदे इसमें से लिए थे, एक फंदा शुरू में ही बढ़ा लिया था, तो हर बार हमारे ये चार फंदे हैं और ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो आइए मैं सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से मैं अपना यहाँ पे आठ फंदा छोड़ लेती हूँ और आठ फंदे को बढ़ा लेती हूँ। और एक एक फंदा जो भी बढ़ता जाएगा हम अपना ग्रीन वाला कम करते जाएंगे, येल्लो से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बस इतना ही हमने करना है हर बार। ये देखिए उसके बाद ये देखिए सीधी सिलाई को बना के एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हर बार हमने ये ग्रीन कलर के फंदे पांच ही रखने हैं, जो बढ़ जाएगा वो हम येलो कर देंगे। ये देखिए फिर से आगे, अब ये देखिए यहाँ पे एक दो एक बढ़ा लिया, तीन चार पांच, अब इसको हम येलो करेंगे ऐसे। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ आधी पत्ती बना के कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आधी कली बना के कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए यहाँ से हम एक ग्रीन को भी लगा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए आठ फंदे ही मैंने छोड़े हैं, तो आठ फंदे ही मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो ये देखिए दो दो चार दो छः दो आठ, आठ फंदे यहाँ पे, सोलह फंदे डाले थे तो ये मैंने नहीं छोड़े हैं। अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे ही अपना बढ़ा लिए हैं। इसके बाद हम आधी कली बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब फुल कली के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बीस फंदे डालोगे तो आपने दस फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए किस तरह से अब एक फंदा हम यहाँ पे, अब यहाँ से हम अपना आठ फंदा बढ़ा लिए हैं और आठ फंदा एक एक करके छोड़ दिए हैं। अब हम आठ फंदों को घटाएंगे ऊपर की कली के लिए। ये देखिए ऐसे एक फंदा मैंने घटा दिया, एक दो तीन चार, अब जैसे ऊपर की तरफ येलो को करते हुए गए थे, अब ग्रीन से हम येलो की कम करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। चार पाँच, पाँच हो चुके। अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और एक नीचे से ले लेंगे ग्यारह, जो आठ फंदे मैंने एक एक करके छोड़े, एक नीचे से ले लिया, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। जैसे जैसे छोड़े हैं वैसे वैसे इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल सा इजी सा डिज़ाइन आपको यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए पीछे धागा किया, अब यहाँ पे हम ये देखिए ग्रीन वाले ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे अपना एक फंदा घटा चुके, अब ये हम अपना यहाँ पे दूसरा फंदा, ये देखिए दो का एक करते हुए घटा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से दूसरा फंदा घटा दिया, दो तीन चार, और एक हम येलो का कम करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखिए ऐसे अब यहाँ पे सभी फंदों येलो बनाएंगे, और लास्ट का आठवां फंदा ले लिया, सातवां भी, फिर एक फंदा नीचे से बना लेंगे। तो चलिए इसको हम ऐसे ही, गैप दिखेगा तो गैप के लिए आपने
इस तरीके से फंदा उठाना है और दूसरे फंदे के साथ उसको बना देना है ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रीन तक अपना यहाँ पे पांच फंदा और ले लेती हूँ, दो मैं ले चुकी हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से दिखाएंगे। तो आइए कर लेती हूँ फूल पत्ती ऊपर के लिए करने के लिए। देखिए बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी बनती हुई आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना येलो कलर के सात फंदे छोड़े थे और आठवां फंदा हमारा ग्रीन था। तो यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने सारे फंदे ले लिए हैं। अभी यहाँ पे ग्रीन का बाकी है लेना और एक फंदा यहाँ पे घटाना बाकी है। तो इस तरीके से ये कुछ पत्ती हमारी बनती आई है और काफ़ी सुंदर लग रही है ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार, और आगे के फंदे भी हम येलो वाले इसी से हम बनाएंगे, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, और ये लास्ट वाला यहाँ से हम फंदा उठा लेते हैं या ऐसे ही बना लेते हैं। सोलहवां फंदा हमारा ग्रीन था छोटा हुआ, तो वो भी हमने बना लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत ही प्यारी सी पत्ती बनके कंप्लीट आई है। अब यहाँ पे हम सोलह फंदों को दो सिलाइयाँ ग्रीन से ही बना लेंगे। ये देखिए इसको उतारते हुए इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ बनाऊँगी इसी तरीके से। ये देखिए ये देखिए, सोलह फंदे ही हमारे यहाँ पे रहे हैं। अब हम इन्हें ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन की दो सिलाइयाँ, एक सिलाई बन चुकी है, एक सिलाई और बना लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी ये देखिए इस तरह से ये पत्ती बना ली है। इसी तरह की हमने चार पत्तियाँ बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो एक दो दो सिलाइयाँ बना ली हैं, यानी कि मेरी दोनों तरफ की तीन सिलाइयाँ मैंने टोटल अपनी कर ली हैं। अब चौथी सिलाई में हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे फिर से यही रिपीट करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ से शुरुआत से बताया था वैसे ही। तो देखिए एक फंदा बढ़ा लिया, ये देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इसमें तीसरा वाला कलर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी इस कलर से पत्ती बनाएंगे, दूसरी वाली जो हमने येलो बनाई है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, लास्ट का फंदा ग्रीन छोड़ दिया है। अब ऐसे ऐसे ही जैसे हमने ये बताई है आपको, वैसे वैसे ही हम इसको बनाते हुए पूरा अपना ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो कुछ नहीं करना है, अब ऐसे ही जो मैंने शुरुआत से आपको बताई थी वैसे ही अब इस कलर से हमने यहाँ पे चार कली अपनी बना के कंप्लीट कर लेनी है। दो कली हम इससे बनाएंगे, इसके बाद फिर येल्लो बनाएंगे, उसके येल्लो बनाने के बाद फिर हम अपना ये जामनी कलर से ही बनाएंगे। तो फंदा एक एक बढ़ाते हुए जाना है और आठ एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है। आठ फंदे बढ़ाने हैं और आठ फंदे ही एक एक करके छोड़ने हैं। तो ऐसे ही इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बना के इसको कंप्लीट कर लिया है और चार कली यहाँ पे ये बन के कम्प्लीट हैं। इस तरह से यहाँ पर सिलाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वूल थोड़ी सी कम थी, तो यहाँ पर हमने दूसरी वूल भी इस्तेमाल कर ली है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इसको वो लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोटी वूल हो गई थी इसलिए। बाकी आपका बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये बनके
कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी फंदों को बंद करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट हो चुका है। तो आइए मैं सारे फंदे देखिए दो का एक करते हुए बंद कर लेती हूँ। ये देखिए दो को एक साथ करते हुए, तो आइए मैं सभी फंदे बंद करके आपको यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पे सिल के कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है। और बहुत ही प्यारा सा ये हमारा चरकोर में पायदान बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी चारों तरफ की पत्तियाँ आपको बताएंगे कैसे हमने बनानी है। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल ईजी है और देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं चारों तरफ की पत्ती आपको बनाना इसको बताऊँगी। तो यहाँ पर अच्छे से ये बनके कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है बस यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम पत्ती बनाते हैं। पत्ती के लिए 16 फंदे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं, 16 फंदे डाल के हम ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो देखिए दस ये 11 12 13 14 15 16 फंदे मैंने डाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना 16 फंदा डाला था वैसे ही अब ये देखिए यहाँ से हम पहले फंदे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा दो दो फंदे छोड़ते हुए बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हर बार हम दो दो फंदे छोड़ते हुए इस पत्ती को बनाएंगे। ये देखिए लास्ट के दो फंदे छोड़े, चौदह फंदे बना लिए, लास्ट के मैंने दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे सिलाई को और पलटते हुए हम सारे फंदे ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। दो दो फंदे छोड़ते हुए इस पत्ती को हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि दो दो करके मुझे 14 फंदा छोड़ लेना है ऐसे ही। ये देखिए इस साइड से इस फंदे को बना रहे हैं और दूसरी साइड से इसको ये देखिए इस तरह से उतार के और सभी को उल्टा उल्टा। तो चलिए मैं यहाँ पे दो दो फंदे करके इन्हें सभी फंदों को छोड़ लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 14 फंदा दो दो करके छोड़ लिया है इस तरह से। अब ये देखिए लास्ट के भी छोड़ लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे 13 और 14 फंदा छोड़ लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी फंदे छोड़ लिए हैं दो दो करके, इस तरह से पत्ती हमारी बनी है। अब ये देखिए पहला फंदे इस तरह से हर बार फंदे को उतारेंगे एक साइड से ताकि यहाँ पे ये देखिए अच्छे से ये हमारी किनारी आ सके। तो अब देखिए छोड़ने के बाद हम सभी फंदों को बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी पत्ती हम बता रहे हैं आपको और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हम 5 पत्तियाँ अपनी बना के कम्प्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी इसमें 5 पत्तियाँ बनाऊंगी। इसके बाद हमें ग्रीन लगाना है, ये देखिए तो सारे फंदे बन चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से अपना इसमें ग्रीन ऐड कर देंगे, ये देखिए, और ग्रीन के बाद अपनी तीसरी कली ये ऐड करेंगे, तीसरी कली इस कलर की ऐड करने के बाद फिर ग्रीन लगाएंगे और उसके बाद येलो करेंगे। तो चलिए मैं ऐसे ही बनाते हुए अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी इसके बाद आपको 4 कली हमारी बनके कंप्लीट हो जाएंगी चारों तरफ की, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो हर बार हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए इसको इसी तरह से बनाते हुए जाना है, बहुत ही सिंपल सा है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए अब दो दो फंदे फिर से छोड़ेंगे। तो चलिए मैं इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये
ये देखिए येलो करी थी, फिर ग्रीन करी, फिर इस कलर की पत्ती मैंने अपनी पांचवी कली इस कलर से बनाई, फिर ग्रीन कर दिया है, फिर इसके बाद येलो कर दिया है। आप जैसा चाहें उस तरह से आप पत्ती को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके की हमने चार बनानी है, चार बना के अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिलाई करके दिखाएंगे फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चार कली बना के ये कंप्लीट कर ली है। ये देखिए जहाँ पे हमने अपना ये यहाँ येलो से स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे अपना तीसरी कली अपनी जामनी कलर से बनाई है, और यहाँ पे जामनी कलर से बनाया है, तो यहाँ पे येलो तीसरी कली येलो से बनाई है। आप जैसा चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चार कली बन के कम्प्लीट है। तो आइए कैसे हम इनको जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके रख लिया है। इसके बाद हम ये देखिए हल्का सा पत्ती को सिलाई के वक्त खींचेंगे, और देखिए यहाँ पे इस तरह से पत्ती हम लगाएंगे। ये हम जो बीच में तीसरी कली हमारी येलो की है, तो ये आमने सामने रखेंगे। ये देखिए अच्छे से आपको क्लियर, ये देखिए ऐसे, और हल्का सा इस तरह से खींचते हुए हम हल्का सा ही हमने खींचना है। और ये देखिए जो जामनी कलर की बीच वाली पत्ती है, तीसरी पत्ती, उसको हम आमने सामने रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा आपका बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, इस तरह से कुछ आएगा ये, और सिलने के बाद एकदम फिट बैठ जाएगा ये। तो देखिए हम इसको सिलाई करेंगे सभी पत्तियों को उल्टा करते हुए, सभी पत्तियों को उल्टा करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसको पलट लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए ऐसे चारों तरफ से ऐसे ही इसको सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चारों पत्तियों को सिल के कम्प्लीट कर लिया है, और इस तरह से हमारा ये देखिए पायदान बन के कम्प्लीट हो चुका है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है, और बनाने में तो बिल्कुल ही ईजी है। तो आप इस अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा ये आपको डोरमेट कैसा लगा। तो आइए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।